के स्टार्ट में हमें एक विश दिखाई जाती है जिसको कुछ विच हंटर्स ने बांधा हुआ था और इन सब को दो लड़कियां दूर खड़ी देख रही थी। तभी एक विच हंटर उस विच को आग लगा देता है। वो विच चलते हुए उन दोनों लड़कियों को यहाँ से भागने को कह रही थी। दरअसल वो दोनों लड़कियां विच की बेटियां थी। फिर इसके बाद सीन एक स्कूल पर शिफ्ट होता है। स्कूल के बोर्ड पर ये लिखा हुआ था कि विचक्राफ्ट मैजिक कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम क्लेरा था। ये अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर एक लड़की को तंग कर रही होती है। जिस लड़की को ये सब लड़कियां मिलकर तंग कर रही थी वो एक विच थी, मगर इसने कभी भी विचक्राफ्ट नहीं किया था, इसीलिए वो विच इन सब के बीच में बढ़ रही थी। अब क्लेरा का स्कूल जब ऑफ होता है तो वो बस में बैठकर घर पर जा रही थी। बस में जाते हुए एक मॉल पर उसकी नजर पड़ती है जिसको वो बहुत ही ध्यान से देख रही थी। क्लेरा अब घर आ गई थी। घर आकर वो स्कूल की असाइनमेंट बना रही थी और उसकी असाइनमेंट भी विच के बारे में थी। वो इंटरनेट पर विच के बारे में सर्च करती है। तभी क्लेरा की कबर्ड से कुछ आवाज आती है। वो जब जाकर चेक करती है तो देखती है कि अचानक से उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की बताती है कि मैं एक विच हूँ और मैं बहुत टाइम से तुम्हारे घर की दीवारों के बीच में रह रही हूँ। क्लेरा उसे कहती है कि तुम दोबारा से दीवारों के अंदर चली जाओ, मगर वो विच वहाँ पर एक कांच की बटरफ्लाई पर कुछ मैजिक करती है। तभी वो बटरफ्लाई उड़ने लगती है और वो विच दोबारा से दीवार के अंदर चली जाती है। इन सब बातों के बारे में जाकर क्लेरा अपनी मदर को बताती है। उसकी मदर कहती है कि आज के बाद ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वो एक आदमी का नाम लेती है और कहती है कि वो उसको लेने के लिए आ रहा है। यहाँ पर हमें दो बातों के बारे में पता चलता है। क्लेरा को विचेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन क्लेरा की मदर जो कि विच हुआ करती थी उनको बॉर्डर क्रॉस करने में मदद करती थी, क्योंकि बॉर्डर के पार विचेस अपना जादू कर सकती थी। तभी क्लेरा के घर पे एक आदमी आता है जिसका नाम जेकब था, जिसके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स था। उस बॉक्स में से वो पानी की बॉटल को बाहर निकालता है और उस विच को उस बॉक्स में बिठा कर ले जाता है। अब ऐसे ही देखते ही देखते रात हो जाती है। रात को वो आदमी जब उस विच को बॉर्डर के पास लेकर जा रहा था तभी रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी उसको रोक लेती है। पुलिस की गाड़ी से एक विच हंटर बाहर निकलता है और वो उस आदमी को अपनी गाड़ी से बाहर आने को कहता है जो विच को लेकर जा रहा था। तभी वो विच हंटर उसकी गाड़ी के चेकिंग करता है। उसको उसकी गाड़ी में एक बड़ा सा बॉक्स नजर आ गया था जिसमें वही विच थी। तो वो विच हंटर कहता है कि क्या मैं इस बॉक्स को चेक कर सकता हूँ, क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मगर वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे एतराज है, क्योंकि ये बॉक्स मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी को मेरी इजाजत के बगैर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और तभी वो विच हंटर अपने पास से एक कंपास निकालता है और उस आदमी को एक जोर से पंच मारता है। उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और तभी वो विच हंटर उसकी गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, जिससे कि वो जो बॉक्स में विच थी वो भी मर गई थी। इसके बाद क्लेरा के घर पर दोबारा से एक लेडी आई थी जो कि बड़े से बॉक्स में विचेस को साथ लाई थी और वो उस बॉक्स को छोड़कर चली जाती है। उस बॉक्स में से दो विचेस बाहर आती हैं। ये वही तो विचेस थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिनकी मदर को आग में जलाकर मार दिया गया था। क्लेरा रात को जब काम कर रही थी तभी उसकी नजर उसी बटरफ्लाई पर पड़ती है जिस बटरफ्लाई पर उस विच ने जादू किया था और वो बटरफ्लाई दोबारा से उड़ने लगती है, यानी कि उस विच के मरने के बाद भी उसका जादू इस दुनिया में काम कर रहा था। तभी रात को क्लेरा जब सो रही होती है तो उसको एक ड्रीम आता है। ड्रीम में वो उसी विच को देखती है जिस विच को मूवी के स्टार्ट में विच हंटर्स ने जला दिया था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और डर कर उठ जाती है। तभी उसको अपने रूम के कोने में किसी का एहसास होता है। तभी उसको वहाँ पर एक आवाज भी सुनाई देती है जो उसका नाम बुला रही थी। तभी क्लेरा को उसी विच की बेटी फ्लोर पर बहुत ही अजीब तरीके से लेटी हुई दिखाई देती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन आ जाती है। वो आकर क्लेरा को बताती है कि उसकी बहन को स्लीप वॉकिंग की आदत है। वो अपनी छोटी बहन की तरफ से माफी मांगती है और अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। सुबह मॉर्निंग में जब वो सब ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं, तभी उस विच की बेटियाँ पूछती हैं कि वो आदमी हमें लेने कब आएगा। ये उसी आदमी की बात कर रही थी जिसका नाम जेकब था, जो अक्सर विचेस को बॉर्डर पार लेकर जाया करता था। तो क्लेरा की मदर कहती है अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो उसको चेक करने के लिए बाहर जाती है। तभी एक घर में वापस आकर वो उन दोनों बहनों को दीवार के अंदर का रास्ता दिखाती है जो उनके घर की दीवारों के अंदर बना हुआ था। दरअसल ये दीवारें पूरे घर में फैली हुई थी और यहीं पर वही विच भी रहा करती थी जिसको विच हंटर्स ने जलाकर मार दिया। जब उस विच की छोटी बेटी वहाँ पर अंदर जाती है तभी जब वो खेल रही थी तो एक बहुत ही डरावना हाथ उसकी तरफ आता है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर बाहर क्लेरा की मदर और उसकी बड़ी बहन डर गई थी। तभी अचानक से विच की छोटी बेटी अपने मैजिक से उस दीवार से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट डे क्लेरा के स्कूल के बाहर क्लेरा एक बस को देखती है जिसके अंदर बहुत सारी विचेस को रखा गया था। फिर इसके बाद उस विच को भी पुलिस ने पकड़ लिया था जो विच क्लेरा की क्लास में पढ़ा करती थी। वो विच पुलिस से भागने की कोशिश कर रही थी मगर एक पुलिस वाला उस पर फायर कर देता है जिससे कि उस विच की वहीं पर डेथ हो जाती है। क्लेरा ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। शाम को क्लेरा के घर पर सभी फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे तभी उनके यहाँ उसकी एक नेबर आती है। वो नेबर आकर क्लेरा की मदर को ये बता रही थी कि हमारे एरिया में एक ऐसा घर है जो विचेस को छुपाकर अपने पास रखता है और उनको बॉर्डर पार करवाता है। रात को क्लेरा जब विचेस के बारे में आर्टिकल पढ़ रही थी तभी वहाँ पर उसको एक नए लोग के बारे में पता चलता है जिसमें
जिसमें ये लिखा हुआ था कि विचेस अगर विचक्राफ्ट करना चाहे या ना करें, मगर फिर भी विचेस को मार दिया जाएगा। रात को क्लेरा को भी स्लीप वॉकिंग की आदत हो गई थी। वो जब ऐसा कर रही थी तभी उसको 3 विचेस नजर आती हैं। क्लेरा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं एक स्टे भी चेकअप उन विचेस को लेने नहीं आया था। तभी क्लेरा की मदर अपनी दूसरी पार्टनर के पास जाती है, जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि जैकब को तो पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद हमें एक मूवी थिएटर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की को टिकट काउंटर वाला टिकट देने से इनकार कर देता है। तभी क्लेरा भी वहाँ पर मौजूद थी। उसको अस्थमा का अटैक आ गया था। वो अपना इनहेलर निकालने ही लगती है, तभी उस टिकट काउंटर के मिरर पर क्रैक्स आ जाते हैं। तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग ये समझ रहे थे कि वो लड़की एक विच है। तभी वो लड़की वहाँ से डर कर भाग जाती है। इधर क्लेरा का अस्थमा अटैक भी बिल्कुल ठीक हो गया था। एक पल के लिए ऐसा फील होता है कि शायद ये सब कुछ क्लेरा की वजह से हो रहा था। तभी क्लेरा जब घर पर आ गई थी तो वो उसी विच की बड़ी बेटी को बार के बारे में बताती है, लेकिन उसने बार कभी भी नहीं देखा था। क्लेरा अब उसको बार में लेकर गई थी। तभी वहाँ पर वो विच एक मैजिक करती है। वो पानी को हवा में उछालती है और वो क्लेरा से कहती है, क्या तुम भी ये मैजिक करना चाहती हो? तभी क्लेरा पूरा फोकस करती है। वो क्लेरा से कहती है कि पानी का ग्लास पकड़कर फुल फोकस करो। जब क्लेरा ये सब कुछ कर रही थी तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। उस विच ने उस पर हाथ रखा हुआ था, मगर जब लाइट आती है तो वहाँ पर सभी लोग इन दोनों को ही देख रहे थे। तभी उन दोनों को पता चलता है कि उनके आसपास की जितनी भी चेयर्स थी वो सभी ऊपर छत से लग गई थी। तभी ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब जब रात को क्लेरा सो रही थी तो वही विच की बड़ी बेटी उसके पास आती है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, कहती है कि मैं अपनी मैजिक को कंट्रोल कैसे करूंगी। नेक्स्ट डे एक विच हंटर क्लेरा के घर पर आ गया था और वो क्लेरा की मदर से आकर कहता है कि पिछली रात को बार में विच क्राफ्ट किया गया था। तभी वो अपना कंपास निकालता है, जिस कंपास से उसको विचेस का पता चलता था कि विचेस यहाँ पर हैं या नहीं। वो अपने कंपास को लेकर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको क्लेरा के घर पर कुछ भी नहीं मिलता। और फिर क्लेरा की मदर वहाँ से उसको जाने का कहती है। अगले दिन क्लेरा के स्कूल में विच टेस्ट हो रहा था, जिसमें वो लोग पता कर सकेंगे कि इनके दरमियान में कोई विच है या नहीं। तभी वो टेस्ट क्लेरा पास कर लेती है, यानी कि वो विच नहीं थी। रात को क्लेरा को एक ड्रीम आता है, जहाँ पर वो खुद को बॉर्डर पर पाती है। वही बॉर्डर जहाँ पर विचेस को ले जाया जाता था। वो उस बॉर्डर की दीवार के ऊपर चढ़ती है, जहाँ पर उसको वही विच जो उसके घर में रहा करती थी और उन्हीं तो विचेस की मदर दोनों उसको वहाँ पर बुला रही थी, जबकि असल दुनिया में क्लेरा तो अपने घर की छत पर थी। क्लेरा की मदर भी वहाँ पर आ गई थी, वो उसको जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी क्लेरा नीचे गिर जाती है। लेकिन इतना ऊपर गिरने के बाद भी क्लेरा को कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर इसका मतलब ये था कि उस विच की बड़ी बेटी ने क्लेरा को बचाया था। पर तभी ये सब कुछ करते हुए उनकी नेबर ने देख लिया था। अगले दिन क्लेरा के स्कूल में क्लेरा और क्लेरा की फ्रेंड विच टेस्ट को देख रही थी, जहाँ पर 3 लड़कियों को चेयर से बांध दिया गया था और उनको पानी में फेंक देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उन लड़कियों को पानी से बाहर निकाल लिया गया था। ये सब कुछ इसलिए किया गया था कि अगर इनमें से कोई भी विच होगी तो वो अपने मैजिक से खुद को बचा लेगी, मगर ऐसा कोई भी नहीं करती। इसका मतलब ये था कि वो सभी इंसान थी, विचेस नहीं थी। लेकिन इस टेस्ट की वजह से एक लड़की की डेथ हो जाती है। क्लेरा को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जब वो घर पर आती है तो घर पर आकर उसको उसी विच की बेटियों से पता चलता है कि उसकी मदर और उसके भाइयों को एक विच हंटर ले गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन कुछ देर के बाद वो विच हंटर वापस आ गया था उन सबको लेकर। वो विच हंटर कहता है कि उसका काम है विचेस को पकड़ना और उनका हंट करना। उन दीवारों में से उस विच की दोनों बेटियां ये सब बातें सुन रही थी, जिस पर उसकी छोटी बहन ये कह रही थी कि इसी ने हमारी मॉम को मारा था। वो अपना हाथ उठाती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसको रोक रही थी। तभी विच हंटर भी उनकी आवाज़ सुन लेता है और उसको शक हो गया था। वो अपनी गन निकालता है और क्लेरा की तरफ करता है। वो क्लेरा पर शक करता है और कहता है कि तुम विच हो। क्लेरा कहती है कि इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं विच हूँ। तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है, उसको फील होता है कि वहाँ से कोई भागा है। इस बात से विच हंटर का ध्यान भटक गया था। तभी इस बात का फायदा उठाकर क्लेरा की मदर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो विच हंटर क्लेरा को उसके रूम में ले गया था और कहता है जो अभी अभी मैंने विच देखी जो स्टेयर्स के पास थी वो कहाँ पर है। क्लेरा उसको कोई भी जवाब नहीं देती। तभी विच हंटर अपनी कंपास निकालता है और कबर्ड की तरफ जाता है। तभी उसकी कंपास की सुई तेज तेज घूमने लगती है। उन दोनों विचेस की मदर जिसको इसने मूवी के स्टार्ट में जलाकर मार दिया था, उस विच का हाथ इस विच हंटर का गला पकड़ लेता है। और यहाँ पर पता चलता है कि इस विच की छोटी बेटी ने जिस डाउने हाथ को दीवार के पीछे देखा था ये उसकी मदर ही थी। वो उस विच ने गुस्से में आग लगा दी थी। क्लेरा बचते हुए भागती है, उस रास्ते पर जा रही थी जो दीवारों के पीछे बना हुआ था। वो दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। और अब उस आग के धुएं की वजह से जो उस विच की दोनों बेटियां दीवार के उस पार थी उनका भी दम घुट रहा था। उस विच की बेटियां उसको बाहर जाने को कहती हैं, मगर वो फिर भी कोई बात नहीं मानती और अब वो गुस्से में वो दीवारों पर क्रैक्स ला देती है। ये बात यहाँ पर सबको पता चल गई थी कि क्लेरा भी एक विच है। और तभी क्लेरा का पूरा घर जल जाता है, पर उस आग में वो भी विच हंटर भी जलकर मर गया था, जिस तरह से उस विच हंटर ने मूवी के स्टार्ट में विच को जलाकर मारा था और फिर दूसरी विच को जिसको जैकब पॉटर के पार ले जा रहा था।
क्लेरा की मदर सबको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती हैं। क्लेरा की मदर उसको समझा रही थी, वो बताती हैं कि तुम्हारे फादर के अंदर जादू था और उसी मैजिक का असर तुम्हारे अंदर भी है। मैं ये नहीं जानती थी कि तुम भी मैजिक कर सकती हो। क्लेरा की मदर कहती हैं कि अब तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये लोग तुम्हें यहाँ पर विच समझकर मार देंगे। ये सिटी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। क्लेरा अपनी मदर से कहती है, वो रोकर उन्हें हक करती है और कहती है कि आप भी मेरे साथ चलें। मगर उसकी मदर कहती है कि उस दीवार को सिर्फ एक विच ही पार कर सकती है। और फिर क्लेरा उस विच की दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर उस दीवार के पास चली गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।